नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में वीवो का ब्लॉग और मैं आपकी ज्योति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हैप्पी फादर्स डे ऑल द लवेबल एंड केयरिंग फादर। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, जो मैं रेगुलर करती हूँ उससे बिल्कुल ही अलग। जी हाँ, आज मैं करने जा रही हूँ सबसे लेटेस्ट मोबाइल, जो कि वन प्लस नोट सी विथ 5G आ रहा है, उसका अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो ये अमेजोन के डब्बे में आया है और इसके अंदर है हमारा फोन। ये देखिए, वाओ, आउटर पैकेजिंग बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है। अब इनर देखते हैं। ओह माय गॉड, सो स्टाइलिश। चलिए गाइस देखिए इस डब्बे में हमें क्या क्या मिला है। फोन है और एक बहुत ही स्टाइलिश फीचर्ड इसके साथ केस मिले हुए हैं, मोबाइल केस। अब इसमें है ये सिम इजेक्टर और कुछ मैनुअल्स और स्टिकर हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। इसके साथ आया है टाइप ए टू टाइप सी केबल और इसके साथ मिला है हमें ये 30 वॉट का एडाप्टर। तो चलिए अब हम देखते हैं मोबाइल की तरफ। वाओ, बहुत स्टाइलिश है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये चारकोल ब्लैक कलर में है और अब मैं इसका स्टिकर हटाती हूँ। तो इस मोबाइल की थिकनेस गाइज 7.5 mm की है, जो कि काफ़ी थिन है और इसका वेट 172-173 ग्राम्स होगा, जो कि काफ़ी थिन लग रहा है। ये बहुत लाइट वेट है फ्रेंड। इसमें 3.5 mm का जैक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और ये माइक्रोफोन है और इसमें ये टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पे ये स्पीकर है। राइट साइड हमें मिल जाता है पावर बटन और हमें लेफ्ट साइड मिल जाता है ये वॉल्यूम बटन। यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है, अब हम उसको इजेक्टर पिन से निकालते हैं। ये देखिए, इसमें डुअल सिम ट्रे है, इसमें कोई भी मेमोरी स्लॉट नहीं है गाइस। अब हम कर लेते हैं पावर ऑन। अब हम सारे सेटिंग्स कर लेते हैं। अब हम फिंगरप्रिंट सेट कर रहे हैं। हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसका डिस्प्ले कुछ 6.43 इंच का है, जो कि फ्लूड एमोलेड है और ये विथ 90 हर्ज है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है।
तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, आपको गेम खेलना पसंद है, तो आप इसमें स्मूथली अपने गेम का आनंद ले सकते हैं, तो बेस्ट है गेमिंग के लिए। इसका बेजल बहुत ही थिन है, बिल्कुल चारों साइड से बहुत ही ज़्यादा थिन है। और अब हम देख लेते हैं इसके टच की कैसा काम करता है। तो पहले हम देखते हैं जो फिंगरप्रिंट हमने लगाया था वो कैसा वर्क करता है। सो स्मूथ, मतलब जस्ट टच और ये खुल गया। और मुझे लगा इसका टच भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। अब बात करती हूँ मैं इसके कैमरे की। तो बैक साइड हमें तीन कैमरे मिले हुए हैं, जो कि एक 64 मेगापिक्सल है, एक 8 मेगापिक्सल है और एक 2 मेगापिक्सल का है। और हमें फ्रंट साइड भी एक सेल्फी कैमरा मिला हुआ है जो कि 16 मेगापिक्सल का है। आप बैक रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS तक कर सकते हैं। और बाकी अब मैं बात कर लेती हूँ इसके OS की। तो इसमें एंड्रॉयड 11 और ऑक्सीजन OS है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7750G जो कि 5G चिपसेट है। और इसका CPU जो कि ऑक्टा कोर पे वर्क करता है। फ्रेंड हमें इसके साथ जो OS पे अपडेट आया है वो 2 ईयर का हमें सॉफ्टवेयर अपडेट है और 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें 6GB रैम है और 128GB का स्टोरेज है। और इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है 6128 और एक आता है 8128 और एक अवेलेबल है 12256 में। तो आप कोई भी एक, जो भी आपको पसंद हो, आप उसमें से जा सकते हैं। और इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी इसमें 4500 mAh का है जो कि बहुत क्विक है। और इन ऐसा ये कहती है, क्लेम करती है कि ये सिर्फ आधे घंटे में 70% तक चार्ज करती है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमें ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है जो कि काफ़ी बेहतर है। तो हम बिना लेग के, बिना किसी रुकावट के अच्छे से स्मूथली गेमिंग का एंजॉय ले सकते हैं। और ऊपर से ये फ़ोन मुझे काफ़ी स्टाइलिश और थिन और लाइट वेट लगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस रेंज में तो ये जो फीचर मिला हुआ है ये एक खराब डील है। तो अच्छा डील है गाइस, मतलब आप एक अच्छे महंगे फ़ोन का इस रेंज में फ़ायदा ले रहे हैं, तो ये कोई खराब डील नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा। बाकी रही बात रिव्यू की, तो वो यूज करने के बाद ही पता चलेगा, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो अभी तक अगर लुक वाइज बात की जाए या फिर इसके फीचर्स की बात की जाए, तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा और काफ़ी किफ़ायती लगा है। तो हाँ गाइज, यही था मेरा अनबॉक्सिंग। आई होप कि ये अनबॉक्सिंग आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी अगर आप इसके बारे में सोच रहे होंगे ये फ़ोन लेने के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर ज़्यादा अच्छा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल, मेरे इस वीडियो पे लाइक दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी मैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।